हे एवरीवन, प्रो कबड्डी सीजन 8 रिव्यूज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। प्रो कबड्डी सीजन 8 के दूसरे दिन की दूसरी मैच हुई थी दबंग दिल्ली और पुनेरी पलटन के बीच में, और यहाँ पर हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे राहुल चौधरी को पुनेरी पलटन की जर्सी में देखने के लिए। आपको तो पता ही होगा कि राहुल चौधरी प्रो कबड्डी के पहले सीजन से तेलुगु टाइटन्स में खेलते आए थे। लास्ट वाले सीजन में वो तमिल थलाइवास में गए और इस सीजन में वो पहली बार हमें पुनेरी पलटन की टीम से खेलते हुए नजर आए। अब ये बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सीजन 1, 2, 3 और 4 में जो तेलुगु टाइटन्स में जो राहुल चौधरी खेलते थे, तब के राहुल चौधरी और अब के राहुल चौधरी में काफी ज्यादा फर्क है। जिस एजिलिटी के साथ वो उस टाइम पे खेलते थे, इस बार वो नहीं खेल पा रहे। पुनेरी पलटन की इस मैच में उन्होंने सिर्फ 5 पॉइंट्स कमाए, जिसमें से 1 पॉइंट शायद टैकल पॉइंट था। और पिछले सीजन में जब वो तमिल थलाइवास में थे, तब भी वो अपने फुल पोटेंशियल में परफॉर्म नहीं कर पाए थे। स्पीकिंग ऑफ प्रीवियस सीजन, पिछले सीजन में वो तमिल थलाइवास में थे और उनके साथ थे अजय ठाकुर और मंजीत छिल्लर। लेकिन इस सीजन में राहुल चौधरी आ गए पुनेरी पलटन में और अजय ठाकुर और मंजीत छिल्लर आ गए दबंग दिल्ली में, और आज इन दोनों की भिड़त होने वाली थी। दबंग दिल्ली में जोगिंदर नरवाल और संदीप नरवाल भी शामिल है, जो कि बहुत ही तगड़े कॉर्नर डिफेंडर्स है, और कवर पे मंजीत छिल्लर और जीवा कुमार। मेरे हिसाब से प्रो कबड्डी सीजन 8 में गुजरात जायंट्स के बाद अगर किसी का बेस्ट डिफेंस है तो वो है दबंग दिल्ली का। और सिर्फ डिफेंस ही नहीं, रेडर्स भी काफी तगड़े हैं दबंग दिल्ली के पास। अजय ठाकुर और नवीन कुमार, नवीन एक्सप्रेस तो आज पूरी तरह अत्याचार करने के मूड में थे। नवीन कुमार ने टोटल 16 पॉइंट्स कमाए, 16 पॉइंट्स, और उनका साथ दिया विजय ने, जिन्होंने 9 पॉइंट्स कमाए। दबंग दिल्ली की टीम को हम देखकर यही सोच रहे थे कि हो सकता है कि ये टीम डिफेंस में खेले, लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट उल्टा देखने को मिला। रेडिंग में जिस खूबसूरती से नवीन कुमार पॉइंट स्कोर कर रहे थे, मैं देख के फैन हो गया उनका। पुनेरी पलटन के रेडिंग डिपार्टमेंट में मुझे राहुल चौधरी से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने से कहीं ना कहीं चूक गए। लेकिन कोई बात नहीं, आगे और भी मैचेस आने वाले हैं। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि एक मैच के भरोसे पे हम प्लेयर के पूरे सीजन के परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। पुनेरी पलटन के रेडिंग डिपार्टमेंट में एक अहम भूमिका निभाई थी नितिन तोमर ने। नितिन तोमर ने कुल 7 रेड पॉइंट्स कमाए, तो नितिन तोमर के 7 पॉइंट्स और राहुल चौधरी के 5 पॉइंट्स और साथ ही में पंकज मोहिते के भी 4 रेड पॉइंट्स, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तीनों रेडर्स ने एक बैलेंस्ड कंट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन दबंग दिल्ली के पास नवीन एक्सप्रेस थे, इतने तगड़े डिफेंडर्स थे, और यही एक वजह पड़ी कि दबंग दिल्ली पूरी तरह हावी हो गई पुनेरी पलटन पे। फाइनल स्कोर था दबंग दिल्ली 41 और पुनेरी पलटन 30, और इसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है नवीन एक्सप्रेस ने। पुनेरी पलटन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव करने से ज्यादा प्लेयर्स को अपने फुल पोटेंशियल में कैसे खिलाया जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि राहुल चौधरी ऐसे प्लेयर नहीं है जो 5 रेड पॉइंट्स कमाए, उनकी कैपेसिटी इससे बहुत ज्यादा है, उनकी एबिलिटी इससे बहुत ज्यादा है। हम उस वाले राहुल चौधरी को देखना चाहते हैं जिन्हें हमने सीजन 1 में या सीजन 4 में देखा था। एंड ही विल बाउंस बैक। राहुल चौधरी इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं है, ही इज अ रियली वर्सेटाइल प्लेयर। अब आने वाले मैचेस में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि राहुल चौधरी अपने पुराने मिस्टेक्स से कैसे सीखकर उभर आते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हर एक मामले में दबंग दिल्ली ने पूरी तरह डोमिनेट किया था पुनेरी पलटन को। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि दबंग दिल्ली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग टीम है, तो मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होगा कि हम इसे आगे जाके क्वालिफाई होते हुए देखें या शायद फाइनल्स में भी देख ले। सो गाइज, ये था मेरे अकॉर्डिंग आज के सेकंड मैच का रिव्यू। आई नो वीडियो छोटा है, डोंट वरी, 2 घंटे बाद तीसरा वीडियो भी आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। प्रो कबड्डी सीजन 8 के पिछले मैचेस का रिव्यू देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, और प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ए यार, 3 मैचेस है, एक और वीडियो बनानी है।